hockey tournament and battling it out on the turf were teams from Pakistan and Belgium. Pakistan won, incidentally, 2-0. They'll never forget. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है अब्दुल राशिद जूनियर। राशिद अपने दौर के एक शानदार सेंटर फॉरवर्ड हॉकी के खिलाड़ी थे। वो 1968 के ओलंपिक्स के 3 सबसे ज़्यादा स्कोर करने वालों में से एक थे। जहाँ पाकिस्तान ने अपने हरीफ भारत से तलाई तमगा जीता था, उन्होंने 1970 में अपने मुल्क को एशियन गेम्स में तलाई दिलाने के लिए इजाफी वक्त का गोल भी किया। राशिद ने 1968 में बैनुल अक्वामी सतह पर डेब्यू किया और 1976 तक ग्रीन जर्सी पहने रहे। उन्होंने कोचिंग, मैनेजिंग, टीमों का रुख किया, जिसमें 1994 का वर्ल्ड कप भी शामिल था जो पाकिस्तान ने जीता था। आइए अब बात करते हैं अब्दुल राशिद जूनियर की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। वो 29 अप्रैल 1947 को गैर तकसीम हिंदुस्तान के शहर बनू में पैदा हुए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले बनू ने पाकिस्तान के लिए फील्ड हॉकी के बहुत से शानदार खिलाड़ी पैदा किए हैं। हॉकी ज़िले की पहचान रही है। दरे हकीकत बनू ने पाकिस्तान हॉकी के लिए एक नर्सरी का किरदार अदा किया है, जिसने खेल के बहुत से अजीम खिलाड़ी पैदा किए हैं। ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद हमीदी के बाद बनू का दूसरा बेटा जो लेजेंडरी का दर्जा हासिल करने वाला था, वो राशिद हामदी का छोटा भाई था। असल में अपने नामवर भाई की तरह दाएं तरफ इन्हें पाकिस्तान हॉकी के अजीम ब्रिगेडियर मंजूर हुसैन आतिफ ने एक मौके पर सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी बना दिया था। वो आधे मौके से फ़ायदा उठाने वाले शिकारी निकले अपने पहले ही बड़े टूर्नामेंट में। 1968 के ओलंपिक्स में वो गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के मुश्तरका टॉप स्कोरर थे। राशिद एक बार फिर 1972 के ओलंपिक्स में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे। इसके दरमियान उन्होंने 1971 के इफ्तिताही एडिशन में वर्ल्ड कप में तलाई तमगा भी हासिल किया। राशिद ने 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में पाकिस्तान की कप्तानी करके अपने भाई की तकलीद करते हुए अपने कैरियर का खात्मा किया। इनकी ओलंपिक गोल्स की तादाद हमीदी के 16 गोल से सिर्फ एक मुख्तसर है। इन्हें पाकिस्तान की खेलों की तारीख में एक मुनफरिद एजाज़ हासिल है, जिसने ओलंपिक तमगों का मुकम्मल सेट हासिल करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। 1968 में गोल्ड, 1972 में चांदी और 1976 में कांस्य का तमगा। जब इन्होंने इसे एक दिन कहा तो राशिद के 96 बैनुल अक्वामी गोल इस वक्त पाकिस्तान का रिकॉर्ड था। हमीदी की तरह राशिद का भी पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ इंतजामी स्पेल था और इन्होंने एक ऐसा एजाज़ हासिल किया जो हमीदी को भी पीछे छोड़ा। पाकिस्तान को आलमी टाइटल वर्ल्ड कप 1994 का इंतज़ाम करना। वो 1994 की फातह FIH चैम्पियंस ट्रॉफी टीम के मैनेजर भी थे। अब्दुल राशिद ने 1968 से 1976 तक हॉकी खेली। इन सालों के दौरान उन्होंने 7 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उन्होंने 1974 में क्राइस्टचर्च में होने वाले बैनुल अक्वामी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कप्तानी भी की। राशिद जूनियर ने 90 बैनुल अक्वामी मैच खेले और 100 के करीब गोल स्कोर किए। वो बैंकॉक में हिंदुस्तान के खिलाफ 1970 के एशियन गेम के फाइनल में वाहिद गोल करने वाले खिलाड़ी थे। राशिद जूनियर ने 2 ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया, मेक्सिको सिटी और म्यूनिख के अलावा बार्सिलोना में इफ्तिताही कप में शामिल हुए। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि राशिद जूनियर पाकिस्तान के साबिक कप्तान ओलंपियन अब्दुल हमीद हमीदी के भाई थे। 23 मार्च 1995 को राशिद जूनियर को सदर फारूक लगारी ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा। साल 2020 में साबिक कौमी कप्तान और हॉकी लेजेंड अब्दुल रशीद जूनियर का
79 साल की उम्र में मुख्तसर अलालत के बाद इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ। इससे पाकिस्तान हॉकी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। साबिक ओलंपियन मुल्क के बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड्स में से एक के तौर पर जाने जाते थे। वो एक बासलाहियत नेजाबाज थे जिसने इन दिनों में बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम किए, जब पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर हॉकी में एक हकीकी ताकत था। साल 1968 और 1972 के ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा स्कोरर होने का मुनफरद एजाज राशिद को एक शाइस्ता और ज़मीन से नीचे रखने वाला फ़र्द रखता था। उन्होंने 1971 के वर्ल्ड कप में भी मुल्क की नुमाइंदगी की। बैनुल-अक़वामी हॉकी से रिटायरमेंट के वक्त वो 96 गोल के साथ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे। राशिद चार मरतबा के ओलंपियन रिटायर्ड ब्रिगेडियर अब्दुल हमीद हमीदी के छोटे भाई थे, जो गुज़िश्ता साल ही इंतकाल कर गए थे, और वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल के साथ साथ सेक्रेटरी PHF भी रहे। दरें असना पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने राशिद जूनियर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। PHF के सदर रिटायर्ड ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर ने ताज़ियती पैगाम में राशिद और इनके खेल के लिए खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। POA के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद आरिफ हसन ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो मरहूम की रूह को जवार रहमत में जगह दे। राशिद जूनियर की नमाज जनाजा बुध की सपहर बनू तरंग कब्रिस्तान में अदा की गई और इन्हें आबाई गांव के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। तो नाजरीन, ये थी इस हॉकी लेजेंड अब्दुल राशिद जूनियर के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी मालूमाती लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कॉमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएँ, ताकि हम अपनी अगली आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।